बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आपकी गाड़ी का क्लच जो है ना काम नहीं कर रहा, आप क्लच को फुल प्रेस भी कर देते हैं फिर भी गाड़ी का गियर नहीं लग रहे, या आपका क्लच बहुत ऊपर काम कर रहा है या क्लच बहुत नीचे काम कर रहा है, तो आप किस तरह इसको एडजस्ट करेंगे, ये तरीका आज हम आपको बताएंगे। ये गाड़ी मेहरान है और इसमें जो मेन फॉल्ट है वो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस गाड़ी की पिकअप, ये गाड़ी पेट्रोल पे, लेकिन इसकी गाड़ी की पिक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इसका क्लच बहुत ऊपर काम कर रहा है। जब गाड़ी का क्लच बहुत ऊपर काम करेगा तो आपके क्लच के अंदर जो है ना वो पावर नहीं रहेगी, तो आपको अपना क्लच जो है ना एडजस्ट करना है कि बिल्कुल नीचे हो तो आपकी गाड़ी स्टेबल हो जाए, गाड़ी बंद ना हो। अगर गाड़ी बंद हो रही है तब भी क्लच एडजस्ट नहीं है। अगर गाड़ी और ज़रा सा आप क्लच को ऊपर करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आनी चाहिए, गाड़ी चलने के लिए तैयार हो। अगर ये तैयार नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्लच के अंदर जो पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो ये मेरान गाड़ी है, ये जो है ना आपकी क्लच वायर है, ये जो आई हुई है ये क्लच वायर है और ये क्लच है। जैसे ही आप इसको अंदर से क्लच प्रेस करते हैं, ये पीछे की तरफ प्रेस होता है ना, तो आपके गियर आज़ाद हो जाते हैं, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर इसको आप चूड़ी के साथ खोलते जाएंगे तो आपका क्लच बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और इसको चूड़ी के साथ जो है ना इसकी चूड़ी टाइट करते जाएंगे तो आपका क्लच ऊपर आता जाएगा। फिर आप अंदर से जाके गाड़ी को स्टार्ट करें, जिधर आपका क्लच सही काम कर रहा है वहाँ पे इसको छोड़ दें। अगर आपका क्लच एडजस्ट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी के अंदर यही मसले आते रहेंगे। जब भी आप गाड़ी खड़ी करेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी, आपके गियर नहीं लगेंगे, गियर शिफ्ट नहीं होंगे, तो ये सारी क्लच की वायर की एडजस्टमेंट की वजह से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।